All right, good morning guys. So today is second lecture of atomic structure. I will quickly recap some of the things that we discussed in the last class, highlight the important points, and then continue with our journey of talking about the subatomic particles and structure of atom. Okay, so let's wait for a minute for other students to also join in. I think around 50 ke aas pass students baithte hain na is class mein. Theek hai, so right. नहीं नहीं रिशित अभी स्टार्ट नहीं करा है. हाँ स्वास्तिक, आई विल गिव अ क्विक रिकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर एज वेल एंड वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे. हाँ अंशु, इसमें काफी कैलकुलेशंस रहेंगी. अभी धीरे धीरे कैलकुलेशंस का लेवल हम लोग बढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे. ऑल राइट, सो let's start with today's discussion. And as a quick recap to what we had done yesterday and discussed yesterday, theek hai. Haan Ali, abhi last lecture mein aur is lecture mein bhi aapko khas kuch homework milega nahi. I am expecting ki aap log mole concept ka task pura kar rahe ho. Third lecture onwards I will start giving you homework in atomic. Okay, all right. So Havid, you can. All right, so last class mein hum logo ne electron ka discussion karna shuru kiya tha, and in as part of that discussion kuch jo important points the unko maine quickly yahan par wapas se summarize kar diya hai. ठीक है, सो आई विल जस्ट क्विकली टेक यू थ्रू देम एंड देन स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स. सो ध्यान से ऑब्जर्व करना, कपल ऑफ पॉइंट्स आर समथिंग व्हिच विल बी डिफरेंट फ्रॉम यू नो व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. एक दो नई चीजें मैं आपके साथ में डिस्कस कर लूंगा, तो ध्यान से सुनना. ऑल राइट, सो लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग कैथोड रेज का डिस्कशन कर रहे हैं. So the setup was pretty simple. You had a glass tube, and in that glass tube you had the two electrodes present on the either side, and based on that a high potential difference was applied and a green glow was observed on the glass walls, right? So let's actually understand that what is happening inside this cathode ray tube. What is exactly happening in this glass tube as such. So ध्यान से observe करना, इस glass tube के अंदर ठीक है gas present है, low pressure पे ही present है, small amount में ही present है, पर gas present है. ठीक है, the gas that is present inside, ठीक है, आप मान लो रफली 10^-3 atm का प्रेशर होगा इसका, काफी लो प्रेशर पे रहेगा ये गैस. दिस गैस नेचुरली कंटेन्स अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ आयंस प्रेजेंट इनसाइड इट. ठीक है, ऐसा क्यों? आप इसको विजुलाइज करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो. मान लो आपने एक ग्लास का ट्यूब बनाया, ठीक है, एंड स्पेस में तो जाके बनाया नहीं, अर्थ पे ही बनाया. एंड जब अर्थ बनाया आपने उस ग्लास ट्यूब को, तो उसके अंदर ऑलरेडी गैस प्रेजेंट होगी. ठीक है,
हमारे अराउंड जो भी नेचुरली अवेलेबल सैंपल ऑफ गैस है, दैट गैस हैज बीन एक्सपोज टू रेडिएशन. ठीक है, रेडिएशन में कुछ रेडिएशंस लो एनर्जी के होते हैं, कुछ रेडिएशंस हाई एनर्जी के भी होते हैं. ठीक है, तो जो हाई एनर्जी रेडिएशंस होते हैं, दे कुड हैव, इट इज वेरी मच पॉसिबल, दे कुड हैव इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द गैस एटम और मॉलिक्यूल. ठीक है, एंड ऐसा करने से गैस में से इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल गया कोई, तो यहां पर जो बचेगा वो गैस का आयन रहेगा. ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग, हो सकता है कि गैस का आयन इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी कर ले. ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट वापस से न्यूट्रल एटम भी बना दे. ठीक है, एंड दिस इज नॉट बीटा एमिशन अंश, दिस इज नॉट बीटा एमिशन, बीटा एमिशन इज समथिंग डिफरेंट. बीटा एमिशन में आपने पूछ लिया है इसलिए मैं बता रहा हूँ. ठीक है, काफी स्टूडेंट्स ने मुझसे लास्ट क्लास में भी पूछा था ये कि बीटा एमिशन और कैथोड रेस सेम होता है क्या. सो ध्यान से ऑब्जर्व करना, जैसा आप लोगों को थोड़ा सा ऑलरेडी आइडिया है, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो है, मतलब जो ऑर्बिट कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करते हैं, तो ये हमारा कैथोड रे ट्यूब में ऑब्जर्वेशन आ रहा है. ठीक है, दीज आर द कैथोड रेज, दीज आर दैट इलेक्ट्रॉन्स. न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ऑल्सो समटाइम्स अ न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इलेक्ट्रॉन व्हेन इजेक्टेड इज कॉल्ड एज बीटा पार्टिकल. ठीक है, सो दैट इज अ डिफरेंट ओरिजिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बीटा पार्टिकल एंड कैथोड रेज दोनों इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं एज सच, बट ओरिजिन दोनों का डिफरेंट है. ठीक है, एंड मैं अब डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ कि ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या हो गया, कैसे रेडिएशन. सो प्लीज लेट मी नॉट वेंचर इनटू द न्यूक्लियर केमिस्ट्री एस्पेक्ट. यहाँ पर आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, तो उसी पे फोकस करेंगे. ठीक है, अच्छा. रणवीर का क्वेश्चन है, डू हैव टू राइट ऑल दिस. अभी रुक जाओ रणवीर, आज की क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं यहीं पे लिख दूंगा, क्लास नोट्स में से लिख दूंगा. नेक्स्ट क्लास से, ठीक है, जब मैं थोड़ा न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करूंगा, तब आई विल आस्क यू टू राइट द इंपॉर्टेंट स्टफ एज पार्ट ऑफ योर नोट्स. ठीक है, अभी के लिए आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, अभी जस्ट आप ऑब्जर्व करो. ओके, यश का क्वेश्चन है, इज लो प्रेशर नेसेसरी. सो लो प्रेशर का, ओके, अंडरस्टैंड समथिंग, लो प्रेशर इज नॉट नेसेसरी फॉर हाई एनर्जी रेडिएशन टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स. उसका लो प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है. आप नेचुरली अवेलेबल कोई सा भी सैंपल ऑफ गैस ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें नेचुरली थोड़े बहुत आयंस प्रेजेंट होंगे. ठीक है, अब ऑब्जर्व करना कि ये जो गैस का सैंपल है, इसके अंदर कुछ पॉजिटिव आयंस जो प्रेजेंट थे, उनके साथ में क्या होगा. अब हाई पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई कर दिया, तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स अब नेगेटिव चार्ज यानी कि कैथोड की तरफ मूव करने लगेंगे, एंड दे वुड डू सो एट हाई स्पीड्स बिकॉज हाई पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई करा हुआ है. अब ड्यूरिंग देयर मूवमेंट दे माइट कोलाइड विद अदर गैस एटम्स ऑल्सो, एंड उनके भी इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ कर देंगे. तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह हो जाता है कि छोटा सा फ्रैक्शन ही प्रेजेंट होगा इन द नेचुरली अकरिंग सैंपल, बट जैसे आपने हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, दैट छोटा सा फ्रैक्शन, वेरी वेरी माइन्यूट फ्रैक्शन, गेट्स एक्सेलरेटेड, मूव्स एट हाई स्पीड, collides with other atoms, knocks off electrons from it and makes more ions. ठीक है, so these ions, these positively charged ions were the actually that pink glow which you saw in the beginning of that video that I showed you in the last class. ठीक है, इन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को एनोड रेज भी बोलते हैं. ठीक है, मैं लिख के दिखाऊंगा अभी आपको थोड़े टाइम में एनोड रेज के बारे में भी, बट क्योंकि आपको ऑलरेडी एक आइडिया है, थोड़ा आपने वर्ड सुने हुए हैं, तो ये एनोड रेज जब यहाँ पर ये कैथोड के मटेरियल पे भी स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, बिकॉज ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे, तो जब ये कैथोड के मटेरियल को स्ट्राइक करेंगे तो उसमें से भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करा देंगे. ठीक है, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ गोइंग टू ट्रेवल टुवर्ड्स द एनोड साइड एंड क्रिएट अ ग्रीन ग्लो. अच्छा, स्टार्टिंग में,
ठीक है, गैस का प्रेशर जब ज्यादा रहता है, गैस का अमाउंट ज्यादा रहेगा इसके अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली ट्रैवल नहीं कर पाएंगे. ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय दीज गैस मॉलिक्यूल्स और गैस एटम्स देमसेल्व्स. इसीलिए स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको ग्रीन ग्लो नहीं दिखता है. स्टार्टिंग स्टार्टिंग में व्हाट यू सी आर द पॉजिटिवली चार्ज गैशियस आयंस, जिनका पिंक ग्लो आपको दिखता है. अब जब उसमें से आपने गैस निकालना शुरू करा एंड बिलो अ सर्टेन लेवल आप चले गए, ठीक है, जैसे टिपिकली 10^-3 ATM या उसके नीचे आप चले जाते हो, ठीक है, देन व्हाट यू आर एबल टू सी इज दैट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू ट्रैवल टू द ऑपोजिट साइड. ठीक है, दे आर एबल टू कम टू द ऑपोजिट साइड एंड क्रिएट दिस ग्रीन ग्लो. ये समझ में आया? सो जो ग्रीन ग्लो क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, दोज आर कैथोड रेज. एंड जो पिंक ग्लो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, दैट इज एनोड रेज. ठीक है, इनफैक्ट लेट मी इनफैक्ट राइट अ क्विक स्टेटमेंट अबाउट एनोड रेज ऑल्सो. मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस लेकर लिख देता हूँ. ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और एनोड रेज. ठीक है, इनफैक्ट लेट मी काइंड ऑफ कॉपी पेस्ट अ डायग्राम, ये वाला कॉपी मैं आपके इसमें भी ऐड कर देता हूँ. लुक एट दिस डायग्राम ऑफ, ये विकिपीडिया से उठाया है मैंने. ठीक है, ये आपका कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट है. ठीक है, इसमें अब कैसा हो रहा है, यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व करना दैट परफोरेटेड. ठीक है, लेट मी यूज अ ब्लैक कलर पेन ओनली. दिस इज अ परफोरेटेड कैथोड. परफोरेटेड कैथोड मतलब इसमें होल्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहां पर आप नोटिस करोगे दैट इन होल्स के थ्रू पास करते हुए पिंक ग्लो आपको पीछे दिख रहा है. दीज आर योर एनोड रेज. ठीक है, दीज एनोड रेज, इनके बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली मतलब ओके आयुष्मिता, आप ट्यूब हॉरिजॉन्टल रखोगे वर्टिकल रखो फर्क नहीं पड़ेगा. दीज पार्टिकल्स आर टू लाइट टू एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन देम. ऑल्सो दे ट्रेवल एट रियली रियली हाई स्पीड्स. तो ऐसा नहीं है कि यू नो इनको वर्टिकली चढ़ने में जोर आएगा. सो दैट्स नॉट द केस. एंड यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना कि जो कैथोड है, कैथोड का जो मटीरियल है, मतलब जैसे कैथोड मान लो ये रिंग था. ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे होल्स कर दिए. ठीक है, कैथोड इज लाइक दिस प्लेट. तो इस प्लेट के अंदर ऐसे होल्स कर दिए टू मेक इट परफोरेटेड. जाली जाली जैसा होता है ना, आपने घर में कभी देखा नहीं है क्या? नाउ ये आपका कैथोड रे ट्यूब का ही सेटअप है. ठीक है, इस तरफ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये ग्रीन ग्लो है. ठीक है, अब वो इतना अच्छे से ग्रीन कलर दिख नहीं रहा है क्योंकि यू नो सेटअप थोड़ा लिट अप है और पिंक ज्यादा अच्छे से विजिबल है. तो ये आपका कैथोड रेज की वजह से ग्लो आ रहा है. ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द कैथोड रेज. ठीक है, बट यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे कैथोड के पीछे, ठीक है, दिस रीजन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, कैथोड के पीछे द ग्लो इज बिकॉज ऑफ द एनोड रेज. एंड पिंक कलर पूछ रहे हो, पिंक कलर क्यों है? इट इज समथिंग विच डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन दैट इज कमिंग आउट. ठीक है, यहाँ पर एक बार ध्यान से सुनना. जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैसे तो मैं आपको ये तीन लेक्चर बाद एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में थोड़ा सा, बट इलेक्ट्रॉन मान लो ग्लास वॉल के साथ टकराया. ठीक है, इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड में ग्लास वॉल के साथ में टकराया, तो क्या होगा यहाँ पर? बिकॉज ऑफ कोलिजन्स, ठीक है, सम रेडिएशंस वुड बी एमिटेड. व्हाई वुड दोज रेडिएशंस बी एमिटेड, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. तो ये रेडिएशंस एमिट होंगे जिनका वेवलेंथ से ग्रीन लाइट को करस्पॉन्ड कर रहा होगा, इसलिए वो कलर ग्रीन दिखा.
ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स गैस एटम को टकराकर उसको आयोनाइज कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये गैस एटम से भी वेवलेंथ निकल रहा होगा और इसका लैम्डा पिंक कलर वाला होगा, इसलिए पिंक कलर दिखा है, ठीक है। सो राइट नाउ डोंट वरी अबाउट व्हाई दिस कलर एंड दैट कलर, दैट इज नॉट क्वाइट इम्पॉर्टेंट। सो रोहन, इफ यू डू दिस आई एम गोइंग टू थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास, ठीक है। यू आर नॉट समवन हु इज स्पेशल, if you have just joined in then that's your problem, I am not going to repeat everything that I have just said, and if you kind of spam with your messages again I am not going to let you sit in the class, this is the last warning. For the last few classes I have been noticing that tumhara kaam hi yahi hai, tum spam karna shuru kar dete ho yahan par chat box ko, I am seriously going to take an action against you if I find another message from you, even if it is a doubt, shut up. कमिंग बैक, सो यहां पर हाँ एक बार मैं विवेक आपका डाउट हैंडल करता हूँ, इट्स अ गुड डाउट, लेट मी कम टू दैट, बट लेट मी जस्ट फर्स्ट कंप्लीट दिस एनोड रेज वाला पार्ट। सो ये एनोड रेज जो पीछे आ रहे हैं पिंक कलर जिनका ग्लो दिख रहा है, अब उसमें यू नो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी हाईलाइटेड हेयर इज दैट दीज एनोड रेज are made up of positively charged particles, ठीक है, और you can say positively charged gaseous ions, ठीक है, not protons. This is actually a misconception which many a time students have, that if I ask them anode rays किससे बने हुए होते हैं, ठीक है, so they will quickly jump to the conclusion that these are made up of protons, ठीक है, these are not made up of protons, they are made up of positively charged gaseous ions. अब मान लो अगर आपने गैस हाइड्रोजन गैस यूज कर लिया है तो उसका जो गैशियस आयन है H plus वो आप प्रोटॉन बोल सकते हो, ठीक है, बट अगर आपने दूसरे गैसेस यूज किए हैं तो जरूरी नहीं है ना कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस सब प्रोटॉन्स ही हो, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट एनोड रेज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, ओके, कमिंग बैक, ठीक है, कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन ऑफ कैथोड रे ट्यूब। सो इसमें अब एक इंपॉर्टेंट डाउट पूछा है विवेक ने और मंथन दोनों ने, दैट अगर गैस नहीं प्रेजेंट होगा इनसाइड, अगर फुल्ली वैक्यूम है तो हाउ विड इट वर्क, ठीक है। सो यहाँ पर नोटिस करना कि जब हम गैस वाला ट्यूब ले रहे हैं, ठीक है, गैस वाला ट्यूब इज एक्चुअली समथिंग विच इज कॉल्ड एज कोल्ड सीआरटी, ठीक है, इसका एक नोमेनक्लेचर है, कोल्ड सीआरटी बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर जो भी गैस का सैंपल होता है उसमें नेचुरली थोड़े बहुत आयंस प्रेजेंट होते हैं बिकॉज दैट गैस वुड हैव बीन एक्सपोज्ड टू रेडिएशन, ठीक है, तो उसमें नेचुरली एक छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ आयंस तो प्रेजेंट होता ही होता है। अब द थिंग इज दैट लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट अ केस व्हिच इज कॉल्ड एज हॉट सीआरटी, जहां पर व्हाट हैपेंस इज दैट इनसाइड द चेंबर, इनसाइड द वेसल, देयर इज यू नो हाई वैक्यूम, अल्ट्रा हाई वैक्यूम, ठीक है, we try to take out as much gas as possible from inside, ठीक है, and अब इसको हम लोग कैसे work कराते हैं कि जो cathode का material होता है ना उसको heat up कर देते हैं, ठीक है, cathode के material को heat करते हैं तो उससे electrons eject होने लगते हैं, जिसे is called as thermionic emission, ठीक है, don't need to get into the details of the word, thermionic emission is because of the heating of the electrodes. तो अब इलेक्ट्रोड्स को हीट कर दिया, उससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फास्ट स्पीड में ट्रैवल करके एक इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट कर देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम कंसिस्ट ऑफ दीज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज समथिंग विच इज यूज इन टीवीज एज वेल, दिस इज समथिंग विच इज यूज इन इलेक्ट्रॉन गन एज वेल, दैट सेम प्रिंसिपल, ठीक है, दैट द कैथोड is heated up, जिससे electrons निकल जाते हैं, and then those electrons are accelerated across a high potential difference, so as to make a beam out of them. ठीक है? Now,
ओके युग का क्वेश्चन है दैट हाउ डज हीटिंग इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स. हीटिंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी ना. तो आप यहाँ पे नोटिस करो ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, बट मैं इतना फोर्स प्रोवाइड कर दूं, इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दूं कि इलेक्ट्रॉन जंप आउट कर जाएगा एटम से, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा ना, ठीक है. अब समटाइम्स दिस एनर्जी भी कैन बी प्रोवाइडेड इन फॉर्म ऑफ हीट, समटाइम्स इट कैन बी प्रोवाइडेड इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन ऑल्सो, ठीक है. सो द रिजल्ट इज सेम दैट इलेक्ट्रॉन्स गेट इजेक्टेड आउट, ठीक है. नाउ ओके होशांग आपका डाउट अभी के लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, आपका डाउट बाद में डिस्कस करेंगे हम. नाउ अंशुल का एक डाउट है, एक मिनट लेट मी कम बैक. इज द एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर हाई और लेस विल द रिजल्ट बी सेम? वेल एक्चुअली हाँ, टेम्परेचर पे कुछ खास डिपेंडेंस नहीं है इसका, ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग विच इज मच डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. सो ओके देन अंशुल का डाउट है व्हाई आर एनोड रेज ओनली एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. सी एज लॉन्ग एज गैस इज प्रेजेंट एनोड रेज रहेंगे, ठीक है, वो तो हम लोगों ने गैस सकआउट कर लिया था उस एक्सपेरिमेंट से, दैट इज वाई वी वर एबल टू सी द इलेक्ट्रॉन्स गोइंग टुवर्ड्स एंड क्रिएटिंग अ ग्रीन ग्लो, ठीक है. ओके नाउ यश का डाउट है एनोड रेज पेनिट्रेट द मेटल शीट और कास्ट अ शैडो. वेल यस एनोड रेज are able to penetrate through thin sheet of metals, they are able to cast a shadow, ठीक है, similar properties है उनकी cathode rays की जैसी, but थोड़े से difference है. एक major difference क्या है कि ये positively charged है, and दूसरा major difference मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा अभी, ठीक है. All right. हाँ, so Kudrat, I'll just come to that doubt of yours. तो अभी एक बार आप लोग अपने doubt को hold रखो, let me continue with the explanation. सो ये आपने ऑब्जर्व करा कि आखिर इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से, ठीक है. सो द इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग, सम ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम द गैस के एटम्स, सम ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड ऑल्सो, ठीक है. जो इलेक्ट्रोड पे जो मेटल होगा उसके एटम से भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है. एंड देन उस टाइम पर इन कैथोड रे के पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी समझा गया, तो दे ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड, एक प्रॉपर्टी समझ में आया, they are able to penetrate through thin sheet of metal, ये समझ में आया, and समझ में आया कि they are made up of negatively charged particles, ठीक है. And then after many years, the name electron was given to these, ठीक है. अब observe करना, इसके बाद मैंने आपको बताया था that अभी भी electron को subatomic particle का status नहीं दिया गया था, and it was much later, ठीक है, around 1890s में जाके, ठीक है, 1890s में जे जे थॉमसन ने अपना मास स्पेक्ट्रोमेट्री का टेक्निक लगाया ऑन द कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, एंड बेस्ड ऑन विच वी वर एबल टू कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स वर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है. कैसे वो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि यू नो कैथोड रेज आ रहे हैं, एंड उन कैथोड रेज को इस टाइम एनोड कैसा लिया, इस टाइम एनोड परफोरेट कर दिया है ताकि कैथोड रेज का बीम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जा सके, एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ठीक है. दिस इज व्हाट इज द पार्ट ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक, दैट दे अप्लाई एन एक्सटर्नल फील्ड टू यू नो एनालाइज अ चार्ज्ड पार्टिकल. तो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया उससे डिफ्लेक्शन हुआ पार्टिकल्स का, एंड फिर उसी डिफ्लेक्शन को कैंसिल आउट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया. तो इस तरीके से वी काइंड ऑफ अंडरस्टूड दैट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कितना मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस आउट कर रहा है ओवर द चार्ज पार्टिकल्स. नाउ वंस वी अंडरस्टैंड दैट हाउ मच ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज बैलेंसिंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके पीछे का अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करा जाता है, ठीक है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा, ठीक है,
उन फोर्सेस की इक्वेशंस लिखकर उनको बैलेंस करके जो रिजल्ट मिलता है अबाउट द चार्ज पार्टिकल दैट इज इट्स चार्ज अपॉन मास रेशियो. ठीक है, दिस इज एक्चुअली दैट इज ऑब्टेंड. तो यही चार्ज अपॉन मास रेशियो इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी निकाला गया. ठीक है, जो हमारे कैथोड रे ट्यूब के पार्टिकल्स थे. एंड व्हाट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू फाइंड वाज दैट इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ गैस टेकन और द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड बीइंग यूज्ड. ठीक है, आप हाइड्रोजन गैस लो कि नाइट्रोजन गैस लो या फिर कैथोड का मटेरियल आप जिंक लो कि आयरन लो कि निकल लो, सब केसेस में वी वर गेटिंग द सेम स्पेसिफिक चार्ज. वी वर गेटिंग द सेम चार्ज अपॉन मास रेशियो. ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट वॉज कमिंग आउट टू बी 1.76 × 10⁻¹⁰ कूलम पर केजी. So this concluded that electron is actually a subatomic particle. Okay, because electron was something which was being found in all these cases, irrespective of changing the elements. So we found out or we considered this electron to be present in all of these different elements. And it was something which was present inside the atom that was being pulled out, or that was something that could be taken out by doing this experiment. ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच वॉज अबाउट द थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट एंड एस्टैब्लिशिंग द सबअटोमिक स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन्स की कहानी खत्म नहीं हुई है, तो यहाँ पर नोटिस करना एक और इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है विच गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन्स. Now this experiment is called as Millikan's oil drop experiment. ठीक है, this experiment and इसका setup ध्यान से observe करना. यहाँ पर एक vessel है और chamber आप बोल सकते हो. ठीक है, and इस chamber के अंदर you know gas present है. ठीक है, now what we do is there is a provision of introducing x-rays inside the chamber. ठीक है, x-rays हम इस chamber में डाल देते हैं. तो अब x-rays का काम क्या होता है, x-rays are ionizing radiations. ठीक है, they are high energy. So x-rays are ionizing radiations. What they do is they eject electron out of gas atoms or molecules. ठीक है, as a result these gas atoms they become ions. ठीक है, these you know gas ions or you can say the produced gas ions as well as electrons stick with oil droplets and make them charged. ठीक है, तो इससे जो एक important काम हुआ is that the oil droplets got charged. ठीक है, oil droplets क्या है, यहाँ से हम लोग ये basically oil का एक container था और इस container में से हम लोगों ने oil spray करा अंदर. ठीक है, oil spray इस तरीके से करा कि उसके काफी छोटे छोटे particles अंदर आए, तो अब ये oil particles charge हो गए. ठीक है, oil particles का charge positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है. ठीक है, and उनके size कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, all can vary. ठीक है, ठीक है, why would the gas stick to that oil or why will the oil particles become charged? So that is something which is kind of you know an attractive force that exists between different substances. ठीक है, so let's say you know you have substance one and substance two. So sometimes these substances they have a tendency of you know attracting with each other. So जैसे यहाँ पर
ऑयल के पार्टिकल्स हैं तो ऑयल की सरफेस पर आकर, ठीक है, दीज गैस पार्टिकल्स दे कैन एक्चुअली एक वर्ड यूज होता है जो कि आप लोगों को भी पता होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, दे गेट अडजॉर्ब्ड. ठीक है, देयर इज दिस फिनोमेना व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम अब्सॉर्प्शन. ए बी अब्सॉर्प्शन से अलग होता है, इस फिनोमेना को कहते हैं अडजॉर्प्शन, ए डी. तो बिकॉज ऑफ दिस द गैस पार्टिकल्स कैन गेट स्टक ओवर द सर्फेस ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड मेक द ऑयल ड्रॉपलेट्स ऑल्सो चार्ज्ड. हाँ, अब मैं एडजॉर्प्शन की डिटेल में नहीं जाऊंगा अंश, तो मुझसे डिटेल मत पूछो, डोंट आस्क मी एनी डाउट्स रिगार्डिंग एडजॉर्प्शन. ठीक है, मैं एक वर्ड बोल देता हूँ एंड मुझे पता है कि मैं कितना डडर के वर्ड बोलता हूँ, बिकॉज द मोमेंट आई से दैट वर्ड अ लॉट ऑफ यू वुड बी जंपिंग ऑन कि ये क्या होता है, ये कैसे हो गया, हो व्हाट इज दिस नाउ. सो ये प्लीज मत करो मेरे साथ, लेट मी फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट टास्क नाउ. अब ये ऑयल ड्रॉपलेट्स चार्ज हो गए, so then these oil droplets are made to pass through an electric field. ठीक है, यहाँ पर दो ऐसे प्लेट्स लगा दिए जिनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है. ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं दे आर गोइंग टू एक्सपीरियंस फोर्स. ठीक है, तो पहले नोटिस करना, ये जो ऑयल का ड्रॉपलेट था, दिस वॉज समथिंग विच वॉज फॉलिंग डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अब हो सकता है कि इस ऑयल ड्रॉपलेट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगे, हो सकता है ये सेम डायरेक्शन में लग जाए एज द ग्रेविटी, एंड हो सकता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लग जाए डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज दैट इज देयर ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट. ठीक है, सो लेट्स फोकस ऑन दोज ऑयल ड्रॉपलेट्स जिनके ऊपर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है, एंड इफ द फोर्स बैलेंस, ठीक है, बैलेंसेज आउट, देन the oil droplet will float. ठीक है, it will levitate. ठीक है, जैसे for example यहाँ पर आप इस simulation में देखना, ये एक YouTube video मैंने यहाँ पे embed किया हुआ है, इसमें simulation है. ठीक है, actual experiment नहीं है, actual experiment का video भी था but उसमें oil droplet देख पाना बहुत ही difficult हो जाता है because it is something which is seen by a microscope and all. So ये simulation observe करना आप, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं. सो इन दिस ऑब्जर्व दैट ये पोटेंशियल डिफरेंस सेट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे पैरामीटर है. एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया, ड्रॉप्स अभी गिर रहे हैं अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, नीचे की तरफ गिर रहे हैं. अब अगर मैं ये लेफ्ट हैंड साइड पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये इसकी वजह से फोर्स लगा और ड्रॉपलेट्स ऊपर जाने लगे. ठीक है, एज यू कैन सी, मैं यहाँ पे वापस से थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि एकदम हाई पोटेंशियल लगा दिया, तो इतना फोर्स लग गया कि ड्रॉप्स ऊपर की तरफ जाने लग गए. ठीक है, बट नाउ लेट्स ट्राई टू बैलेंस देम. ठीक है, सो हम लोग बीच में कुछ ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं सच दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे काइंड ऑफ बैलेंस आउट ईच अदर. तो उससे क्या हो जाएगा, आप नोटिस करोगे कि कुछ ड्रॉप्स रुक जाएंगे, कुछ ड्रॉप्स फ्लोट करने लग जाएंगे. ठीक है, एंड ये जो ड्रॉप्स फ्लोट कर गए, ठीक है, अब उनके ऊपर मिलिकन ने अपना एनालिसिस करा. ठीक है, लेट मी जूम आउट. सो ओवर दीज ड्रॉप्स, ठीक है, मिलिकन डिड हिज एनालिसिस एंड इक्वेटेड द टू फोर्सेस एंड बेस्ड ऑन दिस व्हाट ही फाउंड आउट. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मिलिकन को मिला दैट चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट वॉज यू नो डिफरेंट ड्रॉप के लिए उसने कैलकुलेशन करा एंड बेस्ड ऑन दैट ही फाउंड आउट दैट ऑयल ड्रॉपलेट्स पर चार्ज वॉज ऑलवेज कमिंग आउट टू बी अ मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10 रेस टू द पावर ऑफ -19 कूलम्स. ठीक है, अच्छा, युग का डाउट है दैट व्हाई वुड हाई पोटेंशियल डिफरेंस मेक द ऑयल ड्रॉपलेट्स मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. अरे मतलब ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट,
सो मान लो ऑयल ड्रॉपलेट नेगेटिवली चार्ज था एंड ये प्लेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, ठीक है, तो ग्रेविटेशन का फोर्स तो नीचे लग रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगेगा ना, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, सो दिस व्हेन यू नो मिलिकन डिड द कैलकुलेशन, व्हाट ही फाउंड आउट, ध्यान से ऑब्जर्व करना यहाँ पर, व्हाट ही फाउंड आउट वाज दैट द चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट वाज कमिंग आउट टू बी एन इंटीजर मल्टीपल, ठीक है, एन कुड बी 1, 2, 3, 4, मतलब ऐसे इंटीजर मल्टीपल आ रहा था ऑफ दिस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ 1.6 इनटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -19 कूलम, ठीक है. सो व्हाट ही डिसाइडेड एज अ कंक्लूजन फ्रॉम दिस इज दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है. सो व्हाट डज दिस मीन, ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट डज इट मीन? सो व्हाट मिलिकन सेड बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट चार्ज exists as discrete quantity, ठीक है, not continuous. तो ये discrete word का मतलब क्या हो गया? That you know n equal to or you can say charge equal to 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb exist करेगा, ठीक है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इंटीजर मल्टीपल्स में एग्जिस्ट करेगा, बट समथिंग लाइक इफ यू से कि यू नो 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, तो ये नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है. You might say कि you know 2.4 into 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, तो ये ऐसा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है. चार्ज विल ओनली एग्जिस्ट एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है. अच्छा, मनन का क्वेश्चन है, हाउ वाज दिस चार्ज कैलकुलेटेड? वही तो मैंने आपको नहीं दिखाया. यहाँ पर देखो, जो एम जी एंड के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ऐसे इक्वेशन होंगी कुछ कुछ, ठीक है. आई एम नॉट गेटिंग इन टू द डिटेल्स ऑफ इट. ये ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बेस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इक्वेशन है, लाइक ऑल ऑफ दिस, ठीक है. वैसे तो मैंने सही लिखी नहीं है यहाँ पर इक्वेशन, बट ऑल ऑफ दिस वुड बी रिटन. अब हमें मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट तो पता पड़ जाएगा. मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट कैसे पता पड़ेगा? हम ऑयल ड्रॉपलेट को देख सकते हैं, उसका रेडियस पता कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम पता कर सकते हैं, उसका डेंसिटी पता है, तो उसका मास पता कर सकते हैं. तो हमें ग्रेविटेशनल का फोर्स कैलकुलेट हो गया, ठीक है. अब हमें उसको इक्वेट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो उससे हम लोगों की पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो हमें चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है. राइट नाउ द पर्पस इज नॉट टू गेट इनटू दैट न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, बिकॉज अभी मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है. अभी मैं आपको सिर्फ ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहा हूँ, तो डोंट बॉदर अबाउट द काइंड ऑफ कैलकुलेशन दैट इज टू बी डन बिहाइंड इट. आप बस इतना समझो कि हाँ, कुछ मैथ्स लगाई उसके पीछे एंड इक्वेशन बनाकर चार्ज निकाल लिया, ठीक है. नाउ दिस चार्ज, एज आई सेड, मिलिकन फाउंड आउट वॉज दिस क्वांटाइज्ड चार्ज, एंड इसका जो ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी था, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, विच वॉज असाइंड एज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो ध्यान से इस वर्ड को समझना, ये क्वांटाइजेशन वर्ड मीन्स that the you know property that we are talking about exists in form of discrete units, ठीक है. जैसे for example अगर कोई और property के बारे में बात करें, जैसे मान लो हम energy के बारे में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है,
एंड मैं बोल रहा हूँ कि 1 जूल एनर्जी हो सकता है, 2 जूल एनर्जी हो सकता है, 1.5 जूल एनर्जी हो सकता है, 1.45 जूल एनर्जी भी हो सकता है. तो दिस इज ट्राइंग टू से दैट ओके एनर्जी इज समथिंग विच इज कंटिन्यूअस. ठीक है, एक कंटिन्यूअस पूरा स्पेक्ट्रम है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है. बट चार्ज के केस में क्या आइडेंटिफाई करा गया कि चार्ज इज नॉट समथिंग विच कैन बी और विच एग्जिस्ट यू नो कंटिन्यूअस वैल्यूज में. It is something which exists only as a discrete multiple of a smallest possible quantity. And that smallest possible quantity was 1.6 into 10 raised to the power of minus 19 coulomb. ठीक है? Okay. Then, अली का एक doubt है. So, charge of E was found out by this experiment. Yes, that is what we understand, that the charge of electron was found out based on this एक्सपेरिमेंट. ठीक है, एंड इनफैक्ट यू नो नाउ आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करना दैट हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया है. ठीक है, लेट मी काइंड ऑफ यूज सम स्पेस टू राइट हियर दैट हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया है. ये मैं एनोड रेज वाले को थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, इसको बाद में शिफ्ट कर देंगे. ठीक है, सो लेट मी काइंड ऑफ rewrite this later. यहाँ पर मैं एक important point लिख देता हूँ. अब हमने जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में काफी चीजें समझ ली है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना वैल्यूज जो कि आपको याद रखने हैं. ठीक है, Q by m charge by mass ratio of electron is 1.76 into 10 raised to the power of 11 coulomb per kg. ये चार्ज अपॉन मास रेशियो है. अच्छा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ रहेगा. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस 1.6 इनटू 10 रेशियो द पावर ऑफ माइनस 19 कूलम. ठीक है, एंड इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो इससे मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा. जो भी आपको ध्यान रखना है, इट इज 9.1 इनटू 10 की पावर माइनस 31 केजी. ठीक है, सो ये आप ध्यान रखोगे. दीज क्वांटिटीज आर समथिंग विच आर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू रिमेम्बर. ओके, सो ये आपका इलेक्ट्रॉन का कहानी था. ठीक है, नाउ आई होप दिस इज समथिंग. ओके, शुभम पूछ रहे वाई माइनस. अरे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है ना राजा, मतलब ये हम लोगों ने काफी बार डिस्कस कर लिया है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे दैट डायरेक्शन हाइलाइटेड द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड. ओके, एंड चार्ज बाय मास रेशियो भी नेगेटिव आएगा, बट मैंने मॉड ले लिया उसका. ठीक है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है, अंश जो 10 की पावर माइनस 28 है वो ग्राम्स में होता है, यहाँ मैंने किलोग्राम्स में लिखा है 10 की पावर माइनस 31. ठीक है, ओके, सो हाँ, दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू कम यूज इन न्यूमेरिकल्स. ठीक है, वेद आपका डाउट इररिलेवेंट है. ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन दैट डाउट राइट अवे. नाउ कमिंग बैक, आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में एक आइडिया लग गया है. इलेक्ट्रॉन्स यू नो हाउ दे वर डिस्कवर्ड, द थ्री इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स in the journey of electron is cathode ray tube, then Thomson's modification and as in Thomson's mass spectrometry technique on cathode ray tube and Millikan oil drop experiment. ठीक है, so इससे हमें electrons के बारे में एक काफी detailed idea लग गया है. अभी protons के बारे में भी देख लेते हैं. so that is where let me talk about discovery of protons or you can say एनोड रेज. तो इसमें भाई प्रोटॉन वर्ड तो बाद में नाम कॉइन किया गया था. ठीक है, इट वॉज एनोड रेज विच वर अंडरस्टूड फर्स्ट. ठीक है, सो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया था, मैं इसको अभी दोबारा बस फटाफट लिख देता हूँ दैट दीज एनोड रेज हैव टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम कैथोड रेज. ठीक है, दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक कैथोड रेज, like they can you know rotate the paddle wheel, they can actually also you know do this
penetrate through thin sheets of metal. They can also travel at high speeds, and they travel from anode side towards cathode side. So anode rays, they travel from anode towards cathode. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है. दूसरा इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है दैट दीज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई हैव हाइलाइटेड ट्वाइस नाउ दैट दे आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस. ठीक है, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर देम इज दैट जब जे जे थॉमसन ने इन पे भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक अप्लाई करी तो जो क्यू बाई एम वैल्यू था, ठीक है, दिस वॉज नॉट कमिंग आउट एज कॉन्स्टेंट. दिस डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ गैस टेकन. ठीक है, एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई इट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ गैस टेकन, बिकॉज दीज एनोड रेज आर एक्चुअली मेड अप ऑफ गैस आयंस, दे आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, सो ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग एनोड रेज जो आपको पता होना चाहिए. एंड यू कैन ऑल्सो नोट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट फॉर हाइड्रोजन गैस. ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्यू बाय एम वॉज हाइएस्ट बिकॉज दिस इज द लाइटेस्ट गैस, राइट, बिकॉज हाइड्रोजन इज lightest, right? So अब क्योंकि different anode particles हैं, ठीक है, जो if different anode particles हैं उनका different q by m आ रहा है, तो उसमें से जो सबसे lightest है वो किसका होगा? Hydrogen gas का. And that was something which was then considered to be the fundamental positive charge. ठीक है, अभी भी नाम प्रोटॉन असाइन नहीं किया गया है. ठीक है, ध्यान से सुनना, अभी भी प्रोटॉन वर्ड नहीं यूज किया गया है. अभी जस्ट इतना ही कंक्लूड किया गया है दैट यू नो एटम के अंदर देयर इज समथिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव दैट इज प्रेजेंट, एंड दिस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो हम नोटिस कर रहे हैं, दोज आर कमिंग डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस. तो उसमें जो सबसे लाइटेस्ट है, जिसका क्यू बाय एम सबसे ज्यादा आ रहा है, उसको हमने एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक मान लिया कि बाकी सब पॉजिटिव चार्ज भी उसी से बने हुए होंगे. तो हमने उसको एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक और फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज मान लिया. एंड दैट फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज वॉज समथिंग विच वॉज लेटर, ठीक है, मेनी ईयर्स लेटर वॉज गिवन द नेम प्रोटॉन बाय रदरफोर्ड. ठीक है, तब उसके ऊपर भी काफी डिटेल कैलकुलेशंस करी गई एंड उसका भी चार्ज एंड मास वैल्यूज कैलकुलेट करके निकाले गए. सो राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू अगेन गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द चार्ज एंड मास वैल्यूज. आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन द वैल्यूज एंड एक्सपेक्ट दैट आप लोग ये वैल्यूज याद रखो. ठीक है, सो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, दैट इज समथिंग यू शुड रिमेंबर. चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 प्लस साइन के साथ में, बिकॉज इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, प्लस 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 19 कूलम. ठीक है, एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6726. ठीक है, इनफैक्ट थोड़ा सा डिटेल में लेके जाता हूं, बिकॉज माइनस 27 किलोग्राम्स. ठीक है, प्रोटॉन से थोड़ा सा न्यूट्रॉन का डिफरेंट होता है मास. हाँ, सो यस कुदरत, प्रोटॉन एंड एनोड रेज आर डिफरेंट. एनोड रेज आर नॉट प्रोटॉन्स, एनोड रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस. ठीक है, अगर आपका गैस हाइड्रोजन गैस है तो उसका जो आयन है वो एक्चुअली प्रोटॉन होगा. ठीक है, बट दैट्स जस्ट वन केस. ओके, नाउ
अब ओके मनन का क्या डाउट है दैट एक्सप्लेन एच टू गैस एज रेफरेंस वन मोर. ऐसा रेफरेंस नहीं लिया मनन, बस आप इतना समझने की कोशिश करो कि हमारे सामने डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का डेटा है, ठीक है. तो उसमें से अब सबसे फंडामेंटल किसको अपन मानेंगे, जो सबसे लाइटेस्ट है उसको हम सबसे फंडामेंटल मान लेंगे. तो दैट इज वॉट वॉज पिक्ड अप लेटर एज प्रोटॉन, ठीक है. एंड दैट इज वॉट वॉज द gaseous ion of hydrogen gas H plus ion, which is actually a proton only. ठीक है, okay. अंशुल का doubt है, we have to use this whole value of proton mass. अभी नहीं, calculation के लिए नहीं, बस मैंने आपको दिखाया है क्योंकि मैं proton और neutron का mass differentiate करना चाहता हूँ, ठीक है. So anyways, so this was something around 1900, ठीक है, 1901, 1902 के आसपास ये सब चीजें हो रही थी. ठीक है, वी गॉट टू अंडरस्टैंड दैट यू नो एटम इज नॉट इनडिविजिबल एंड एटम के अंदर यू नो देर आर दीज पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट एंड बाई डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट वी आर एबल टू सेपरेट देम आउट. ठीक है, तो इसके बाद में अब एक्चुअली एक नया और बड़ा क्वेश्चन साइंटिस्ट के सामने आ गया दैट नाउ दैट वी नो दैट एटम इज मेड अप ऑफ इवन मोर स्मॉलर पार्टिकल्स दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स. सो हाउ आर दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम एंड दैट इज वेयर दैट इंटायर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्टेड. कि भाई अब एटम के अंदर स्ट्रक्चर क्या है, हाउ आर दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड. ठीक है, सो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. नाउ वन स्मॉल एडिशन इन बिटवीन बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लेट मी ऑल्सो जस्ट पुट इन द डेटा ऑफ न्यूट्रॉन ऑल्सो. ठीक है, बिकॉज एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं. सो I will just put a small note here about neutron. Now, neutron is not something which got discovered, at the same time as protons and electrons. ठीक है, protons and electrons, as I said, 1900 के आसपास conclude कर लिया गया था कि these are something which are present inside the atom. न्यूट्रॉन गॉट डिस्कवर्ड मच लेटर 1930s में जाके, 1936 आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर द डेटा ऑफ ईयर एज सच, बट काफी लेट. ठीक है, डिस्कवर्ड, आई विल पुट अ कैवेट हियर, डिस्कवर्ड मच लेटर. ठीक है, 1930s में जाके ड्यूरिंग अ रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट. ठीक है, सो देयर वाज दिस साइंटिस्ट जेम्स चैडविक who is credited for the discovery of neutron. He was doing a radioactivity experiment. Okay, ab ye mat puchna radioactivity kya hota hai, because I'm not going to get into the details of it. So radioactivity experiment ho raha tha, in which beryllium was bombarded with alpha particles. Okay, so beryllium ko alpha particles se bombard kara ja raha tha, to as a result न्यूट्रॉन्स गॉट इजेक्टेड एंड दीज वर देन डिटेक्टेड बाय जेम्स चैडविक. सो दीज न्यूट्रॉन्स वर समथिंग विच वर नॉट डिटेक्टेड पहले बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे वर न्यूट्रल. ठीक है, सो न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता, एज यू कैन राइट यहाँ पर आप देखोगे दैट चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज एक्चुअली जीरो. ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन is something quite close to the mass of proton but slightly heavier. ठीक है, 1.6749 into 10 raised to the power of minus 31 kg, very very small difference. But उस time पर in fact 1915 के around Rutherford ने ये predict करा था that there is something else also present inside the atom. ठीक है, because Rutherford का जो मास ऑफ एटम का कैलकुलेशन था, इट वॉज नॉट कमिंग इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
he did an experiment and based on his calculations, the mass of protons plus electrons was not coming close to the mass of neutrons. So he had postulated that there is something else also present inside the atom, okay, but he could not himself isolate them out. So they got discovered much later. Okay. Now, अब न्यूट्रॉन अपने आप में एक बहुत स्पेशल पार्टिकल है एंड उसकी खुद की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं. सो होसांग डोंट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाई इज द मास ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट फ्रॉम मास ऑफ न्यूट्रॉन. मतलब ऐसे तो मतलब इनफिनिट लाइन ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है ना. व्हाई इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट देन मास ऑफ प्रोटॉन. व्हाई इज न्यूट्रॉन न्यूट्रल. मतलब ये सब तो ऑब्जर्वेशंस है ना जो कि हमको समझ में आया दैट दीज आर द थिंग्स अराउंड अस दैट वी आर स्टडिंग एंड उनकी बारे में हम ये चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड जहां पर एक्सप्लेनेशन है वहां पर हम लोग जा रहे हैं इनटू डिटेल्स. ठीक है ओके. सारा के लिए क्वेश्चन है सारा का दैट व्हाई कांट वी हैव अ फिक्स्ड क्यू बाय एम फॉर प्रोटॉन्स. सारा वी डू हैव अ फिक्स्ड क्यू बाय एम फॉर प्रोटॉन्स. व्हाट वी डू नॉट हैव अ फिक्स्ड क्यू बाय एम इज फॉर एनोड रेज. Because anode rays are made up of gaseous ions, so different gas ke ions ka different mass hoga na, to unka different q by m aayega. ठीक है, okay. हाँ, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया. ये -31 नहीं, sorry, -27 kg है. हाँ, all right. So coming back, I just wanted to highlight the neutron part as well. Okay, so that these are the subatomic particles that is included in our syllabus and unka ye data aap logon ko samne ek bar clearly aa jaye. Okay, now let's move on to the structure of atom. All right. So structure of atom mein हम लोग डिस्कस करेंगे गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. दिस वाज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट दैट हेल्प्ड डेवलप द इनिशियल मॉडल्स ऑफ एटम. ठीक है, कैसा था गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में देयर वाज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल. ठीक है, एंड उससे ऐसे स्ट्रीमलाइन अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे. अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. ठीक है, इफ यू डोंट नो तो मैं बता देता हूं दैट अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज. ये अल्फा पार्टिकल्स are made to pass through a thin, very thin gold foil. ठीक है, extremely thin gold foil के through ये pass कराए जा रहे हैं. And इस setup के पीछे there is a detector screen coated with zinc sulfide. ठीक है, ताकि हमें पता पड़े कि alpha particles इस gold foil के through pass होने के बाद कैसा बिहेव कर रहे हैं, कहां पर लैंड कर रहे हैं. ठीक है, सो नाउ इन दिस गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिस हेल्प डिस्कार्ड थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम. ठीक है, नोटिस करना हाउ डिड दिस. हाँ, अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम 2 प्लस आयंस, दैट इज राइट. सो ओके, हाउ डिड दिस डिस्कार्ड थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम. थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल याद है आपको? आप लोगों ने शायद अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा. थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल कैसा रहता है? दैट थॉमसन उस टाइम पर विदाउट मच एक्सपेरिमेंटल प्रूफ थॉमसन ने प्रपोज किया था
दैट यू नो एटम का स्ट्रक्चर कैसा है. सो थॉमसन ने बोला कि यू नो एटम इज समथिंग जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड बीच बीच में रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है. ठीक है, रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एज पार्टिकल्स इन साइड दिस. ठीक है, ऐसे रैंडमली एम्बेडेड है. Now, अब रदरफोर्ड ने इसको कैसे डिस्कार्ड किया वो यहाँ पर ऑब्जर्व करना. रदरफोर्ड ने बोला दैट यू नो इफ दिस इज करेक्ट, इफ थॉमसन्स मॉडल इज करेक्ट, देन इफ आई थ्रो द अल्फा पार्टिकल्स थ्रू दिस गोल्ड फॉइल. ठीक है, एंड इस गोल्ड फॉइल में जो भी एटम्स प्रेजेंट है उनके थ्रू अल्फा पार्टिकल्स विल जस्ट गो स्ट्रेट थ्रू. ठीक है, नो डिफ्लेक्शन. Why? Because ये जो positive charge है this is a dispersed charge. So you can think of it as an analogy like a cloud, and cloud के through आपने ऐसे एक let's say tennis ball फेंका. ठीक है, एक dense fog के through या dense you know fume के through, तो जो tennis ball है उसका path थोड़ा deflect होगा. It will not deviate, it will just go स्ट्रेट थ्रू. ठीक है, तो अगर ये मॉडल सही होता तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चला जाते. ठीक है, हाउएवर व्हाट सो अंशुल आपका क्वेश्चन सही है, पॉजिटिव चार्ज वुड रिपेल द अल्फा पार्टिकल्स बट नॉट द डिस्पर्स्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. ठीक है, सो जो पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स्ड है यहाँ पर एक क्लाउड की तरह है. ठीक है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू डिफ्लेक्ट द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स. ठीक है, एंड गोल्ड फॉइल इसलिए यूज किया गया यश, बिकॉज गोल्ड इज समथिंग विच कैन बी मेड थिन शीट्स आउट ऑफ. ठीक है, इट इज अ हाईली मेलेबल मेटल जिसके एक्सट्रीमली थिन शीट्स बनाए जा सकते हैं. दैट वॉज समथिंग विच वॉज अ नेसेसिटी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. Now, observe karna what Rutherford found out. Rutherford found out that apart from most of the, you know, alpha particles going straight through, okay, some alpha particles actually deflected. Okay, that was his second observation, that some alpha particles actually deflections were deflected at small angles. Some deflections at small angles were observed. In fact, what Rutherford also observed as a third observation was that some alpha particles, theek hai, third observation tha yahan pe, few alpha particles got deflected by large angles also. ठीक है, few deflected by large angles. So this kind of you know took away the attention from Thomson's model of atom. ठीक है, in order to explain this better, ठीक है, let me actually show you a simulation. ठीक है, let me know अगर आपको ये screen दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. Can you see this? Okay, let me reshare the screen. शायद आपको फिर दिखेगा. हाँ. Okay. Can you see the screen in front of you? So there is a simulation of this Rutherford scattering experiment that I want to show you guys. अब आप इसमें notice करना कि अगर हम plum pudding model लेंगे,
ठीक है, ये एक तरफ रदरफोर्ड का मॉडल है, एक तरफ प्लम पुडिंग मॉडल है। तो अगर प्लम पुडिंग मॉडल लेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन होना चाहिए था? ठीक है, सो लेट मी प्ले विद दिस। सो दिस वाज द प्लम पुडिंग मॉडल। अब मैं इसमें यहाँ पे लेफ्ट पे नोटिस करना, मैं यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहा हूँ, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स और इनके ट्रेसेस ही बना देता हूँ। सो एक्सपेक्टेशन ये था दैट ये अल्फा पार्टिकल्स विल जस्ट गो स्ट्रेट थ्रू। ठीक है, ये जो रेड रेड है, जो डिस्पर्स रेड है, वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, एज यू कैन सी इन द लेजेंड। एंड जो ब्लू डॉट्स हैं छोटे छोटे, दोज आर एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स। सो वॉट वॉज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड इफ प्लम पुडिंग मॉडल वॉज करेक्ट, दैट अल्फा पार्टिकल्स विल गो स्ट्रेट थ्रू। ठीक है, बट वॉट वॉज इनफैक्ट फाउंड आउट, ठीक है, मैं रदरफोर्ड एटम पर आता हूँ, रदरफोर्ड मॉडल पर जाता हूँ। सो वॉट वॉज एक्चुअली फाउंड आउट, दिस वॉज एक्चुअली द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे नोटिस करना, ये मैंने अल्फा पार्टिकल्स थ्रो करे एंड उनके आप ट्रेसेस ऑब्जर्व करना। सो वॉट वॉज फाउंड आउट वॉज दैट येस, मैनी अल्फा पार्टिकल्स वर गोइंग स्ट्रेट थ्रू। ठीक है, मैनी अल्फा पार्टिकल्स वर गोइंग स्ट्रेट थ्रू, बट सम ऑफ देम सफर्ड डिफ्लेक्शन, सम ऑफ देम सफर्ड डेविएशन। दिस वॉज द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एंड दिस इज समथिंग विच काइंड ऑफ डिस्कार्डेड द प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, अब इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर नोटिस करना, रदरफोर्ड ने क्या क्या कंक्लूजन्स देखे या क्या क्या कंक्लूजन्स ही मेड। सो ऑब्जर्व करना यहां पर, लेट मी काइंड ऑफ पॉज इट। हाँ, सो सम कुड ऑल्सो रीबाउंड। नाउ यहां पर ऑब्जर्व करना, ये 1, 2, 3 जो ऑब्जर्वेशंस था, लेट मी राइट डाउन हेयर इन अ टैबुलर फॉर्म, ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स फ्रॉम द रदरफोर्ड्स मॉडल। सो ऑब्जर्वेशन वॉज नंबर वन, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स went straight without deflection. ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? Why did it happen? और what was the conclusion that was made by Rutherford was that most of the atom is empty. ठीक है, most of the atom is actually empty. ठीक है, in fact this is something which you know has a really really large implication if you think of it from the perspective of black holes. theek hai, aap aise socho ki hum as objects you know are made up of atoms and hum logo kuch objects solid lagte hain, kuch object gas lagte hain, right? but most of these objects that appear to us seem like solid, dense. ठीक है, बट एक्चुअली में अगर हम उनके एटॉमिक लेवल पर जाकर देखें, ठीक है, सो एटॉमिक लेवल पर वी अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली एम्प्टी। ठीक है, सो अगर हम ब्लैक होल्स के बारे में बात करें तो यू नो फॉर अ नॉर्मल ऑब्जेक्ट इट हैज एक्चुअली अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इनसाइड इट व्हिच कैन बी यू नो क्रश्ड इनटू a more smaller sized particle, right? तो black holes भी क्या होता है, black holes के अंदर you know the substance, the atoms or molecules, they get crushed into such low volumes that you know they are able to create a strong gravitational force that does not even let escape the light. ठीक है, but anyways, so right now coming back to the you know conclusion, एक बार आप लोगों के doubts hold करो, I will come to your doubts, hold them for a while. So पहला observation था that most of the alpha particles went straight through and most of the atom is empty and that is why these alpha particles are going straight without any deflection.
The second observation that was made by Rutherford was that some alpha particles deflected at small angles. इसका रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन बनाया? दैट इनसाइड द एटम देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड रीजन. ठीक है, एक्चुअली उस टाइम पर रदरफोर्ड को पॉजिटिव भी नहीं पता था कि एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज रीजन है कि नहीं है. It could have very well been negatively charged also. ठीक है, रदरफोर्ड को नहीं पता था उस टाइम पे, बस इतना जरूर पता था कि चार्ज रीजन है. ठीक है, सो इनसाइड द एटम देयर इज दिस चार्ज रीजन विच डिफ्लेक्ट्स अल्फा पार्टिकल्स. एंड वॉट ही कुड कंक्लूड, बिकॉज ओनली सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर गेटिंग डिफ्लेक्टेड, so what he could conclude was that the volume of this charged region, okay, volume of this charged region is much smaller. Okay, is charged region ka naam bhi actually Rutherford ne diya tha, nucleus. That volume of this charged region or nucleus is much lesser then that of atom. Okay, this was the second important conclusion. Then third observation, which was that these alpha particles, few alpha particles got deflected by large angles. ठीक है, दिस काइंड ऑफ गेव हिम अ कंक्लूजन दैट न्यूक्लियस इज क्वाइट डेंस. ठीक है, न्यूक्लियस इज क्वाइट डेंस एंड कॉन्स्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ एटम. ठीक है, सो दिस वॉज समथिंग विच ओके. सो रणवीर का भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. रणवीर पूछ रहा है दैट वाज लाइक रदरफोर्ड एबल टू सी द एटम अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप. नो नो, नॉट दैट, ऐसा नहीं था. सो ये तो कैसे पता पड़ा? वो डिटेक्टर स्क्रीन से. सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, लेट मी रन दैट सिमुलेशन अगेन. देखो यहाँ पर कैसा हो रहा है दैट ये पार्टिकल्स जो है ये दिख नहीं रहे थे रदरफोर्ड को, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख रहे थे. ठीक है, वॉट रदरफोर्ड वॉज एबल टू डू के इसके अराउंड जो स्क्रीन थी, जो जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन थी, उस पर जहां पर ये अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे थे वहां पर इल्यूमिनेशंस हो रहा था. ठीक है, वहां पर देयर वाज दिस ग्लो विच वाज सीन एंड दैट ग्लो वाज समथिंग विच रदरफोर्ड वाज एबल टू देन से कि अच्छा दिस इज समथिंग where the alpha particles have struck and they have underwent or suffered deflection by so and so angles. ठीक है, in fact Rutherford ने इस पे काफी detailed numerical calculations भी करा था. ठीक है, मेरे पास में अभी वो formula है नहीं, but the angle with which the deflections occurred, the speed with which the alpha particles were traveling, the atomic mass of the foil का element, all of them उनके इंटररिलेट करते हुए रदरफोर्ड ने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी दिया था. ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप एक बार के लिए दिखा दूंगा. इट इज नॉट समथिंग विच इज रियली क्वाइट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आपको पता होगा, कि आपको याद रखना होगा उसका. बस मैं आपको चाहिए तो एक क्वेश्चन बनाकर दिखा दूंगा. ठीक है, हाउ यू शुड लुक एट दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. Anyways,
नाउ अब ध्यान से सुनना, रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन यही था, ठीक है, इतना ही ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने बनाया एंड इतना ही कंक्लूजन रदरफोर्ड का आ पाया था। अब इसके ऊपर, ठीक है, ओवर एंड अबव दिस, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ओवर एंड अबव दिस रदरफोर्ड टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, फ्रॉम दिस रदरफोर्ड सेड दैट ओके लेट द मॉडल बी समथिंग इन दिस नेचर दैट न्यूक्लियस द पॉजिटिवली चार्ज रीजन इज एट द सेंटर। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इन सर्क्यूलर ऑर्बिट्स। All right. So now, and he kind of explained it in this manner that, you know, these electrons, they experience a force towards the center, that is the attraction force, electrostatic force, and this force is balanced by a centrifugal force which acts towards the outer side. So this is something how Rutherford came up with the model of atom. His model of atom was also called as planetary model of atom because it included this inspiration from the model of solar system, that how planets revolve around the sun. Now, okay, so there are some questions that are coming that was the counter force to nuclear attraction electron explain this model? हाँ, मतलब वो इसी मॉडल में था अंश, ठीक है। Then Anshul का question है, is the gold foil experiment, in the gold foil experiment, wouldn't the alpha particles attract the electrons? Well, alpha particles are moving at really high speeds, Anshul, ठीक है। And even if they do so, it's okay because जो electrons हैं, ठीक है, एक्चुअली आप लोग क्योंकि बाद में पढ़ चुके हो दैट इलेक्ट्रॉन्स अगेन आर काइंड ऑफ यू नो डिस्पर्स्ड अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, सो इट रियली डजंट हैपन इन दिस वे दैट अल्फा पार्टिकल्स गए और इलेक्ट्रॉन्स को यू नो अट्रैक्ट कर लिया। इनफैक्ट कोलिजन के बाद हो सकता है कि अल्फा पार्टिकल्स एटम से इजेक्ट हो जाए, ठीक है, बिकॉज दे ऑल आर मूविंग एट रियली हाई स्पीड्स। हाँ, अल्फा पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते कुदरत, दैट इज समथिंग। अल्फा पार्टिकल्स इज मेड अप ऑफ जस्ट टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स। ठीक है, हाँ, सो शुभम आपका डाउट भी सही है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी undeniably, ठीक है, but this deflection which is supposed to happen from alpha particles, that kind of gave you know this idea that alpha particles were also getting deflected at small angles as well as large angles. All right, so ये आपके सामने रदरफोर्ड का मॉडल था, ठीक है, based on his experiment he was able to draw some observations and scientific conclusions, then a little bit of inspiration from the model of solar system,
helped him develop this model of atom, that nucleus is the center of the atom, which is very, very small in terms of the volume, and electrons revolve around it in orbits, circular orbits, where the centrifugal force and the attraction force are balanced with each other. ठीक है. Now, अभी कई बार students को doubt आता है कि sir centrifugal force तो inward होता है. जिष्णु, that is centripetal force. ठीक है. अब आप मुझसे ये मत पूछना कि sir centripetal force और centrifugal force के बीच का अंतर बताओ. ठीक है. That is something which you will again study in your physics का circular motion chapter. ठीक है. Centrifugal force is outward only. ठीक है. It's a pseudo force. अभी ये मत पूछना pseudo force क्या होता है. So, I hope we are clear on that. Now, coming back, this model of atom, however, was not something which was widely accepted by the scientific community. ठीक है. So यहाँ पर notice करना, one of the important drawbacks of Rutherford's model. So there were many drawbacks, out of which the most important drawback was because of this theory of electromagnetism. So ध्यान से observe करना that Rutherford का model 1900s में कहीं पर आया था. ठीक है. 1905 से 1909 के बीच में. ठीक है. 1905 के अराउंड मान लो आप इज व्हेन रदरफोर्ड का मॉडल प्रपोज किया गया था. ठीक है. एंड इस मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. ठीक है. अब इसके काफी सालों पहले 1870s में, ठीक है, there was this theory that was given by James Clerk Maxwell, theory of electromagnetism. ठीक है. Now Maxwell was considered to be one of the greatest genius of that era. His theory of electromagnetism was path breaking. एक बार इस चीज को ध्यान से सुनना और समझना. जैसा मैंने आपको बताया था कि 1850s का जो जमाना था उसके पहले इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर द टॉपिक्स ऑफ रिसर्च. ठीक है. देवर द वंस विच वर स्टडीड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बाय फिजिसिस्ट्स. उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों को अलग अलग फंडामेंटल प्रॉपर्टीज समझा जाता था और स्टडी करा जाता था. इलेक्ट्रिसिटी और उसकी प्रॉपर्टीज ये हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी प्रॉपर्टीज, एंड मैग्नेटिज्म और यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड और उसकी प्रॉपर्टीज को अलग माना जाता था एंड अलग से समझा जाता था. मैक्सवेल इन हिज थ्योरी combined the two and proved that magnetism is actually a property of electric field only. He kind of proved that magnetism koi alag se naya property nahi hai. In fact, it is something which comes because of charge moving in loops and circles. Theek hai. So डिटेल्स में अगेन आप लोगों को जब मौका मिलेगा, जब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म फिजिक्स में पढ़ोगे, बट जस्ट टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दिस थ्योरी दैट मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का थ्योरी विच मैक्सवेल गेव वाज वन ऑफ द पाथ ब्रेकिंग थ्योरीज एट दैट पॉइंट इन टाइम विच कंप्लीटली चेंज द कोर्स ऑफ फिजिक्स. एंड इस थ्योरी से, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस थ्योरी there was a statement that was a conclusion from Maxwell that charged particles
When accelerated, lose energy in form of radiation. ठीक है, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सेलरेट करा जा रहा है तो इट विल लूज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन. ठीक है, दैट वाज एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम मैक्सवेल्स थ्योरी. नाउ दैट स्टेटमेंट इफ इट इज अप्लाइड टू रदरफोर्ड्स मॉडल, तो यहां पर आप नोटिस करोगे, ठीक है, ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज आर चार्ज पार्टिकल एंड इट इज एक्चुअली एक्सेलरेटिंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, एक्सेलरेटिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस. व्हाई इज इट एक्सेलरेटिंग? बिकॉज आप यहां पे नोटिस करोगे इसका स्पीड भले ही कांस्टेंट हो बट डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंजेस एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, एज अ रिजल्ट एक्सेलरेशन यहां पर हो रहा है. सो बेस्ड ऑन दिस the electron should lose energy in form of radiation. ठीक है, and if the electron loses energy तो क्या हो जाएगा, इसका speed कम हो जाएगा. right now if you know, अगर आपने ऐसे किसी, let's say एक as an example एक stone को string से tie करा and उसको circular motion में you know घुमाना शुरू करा, but if you stop supplying the energy तो उसका स्पीड क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाएगा एंड इवेंचुअली इट विल स्पाइरल टुवर्ड्स द सेंटर. तो वही चीज इलेक्ट्रॉन के साथ में होनी चाहिए, दैट इट शुड लूज एनर्जी एंड अपॉन लूजिंग दैट एनर्जी इट शुड रिड्यूस इट्स स्पीड. इफ इट्स रिड्यूसिंग द स्पीड देन इसका रेडियस ऑफ ऑर्बिट कम होते होते इट शुड स्पाइरल ऑन इनटू द ऑनटू द न्यूक्लियस. सो दिस बिकेम अ वेरी मेजर ड्रॉबैक in Rutherford's model, which was then overcome in Bohr's model. ठीक है, तो इसके बाद Bohr's model कैसे इसको overcome करता है, that is something of a homework question for you guys. ठीक है, हाँ अंशुल आपका statement सही है. Now अब आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन यही है दैट यू नो टेक्निकली अगर आपको ध्यान हो, आप लोगों ने बोर्स मॉडल भी पढ़ा हो, तो बोर्स मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल दोनों एक ही चीज है. ठीक है, जो सेम मॉडल रदरफोर्ड ने बोला वही मॉडल बोर्ड ने यूज करा कि न्यूक्लियस सेंटर पे उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, बट व्हाई वाज बोर्स मॉडल कंसिडर्ड करेक्ट and why wasn't Rutherford's model, वो आप चीज ये पढ़ के मुझे समझाना. I'll try to get an explanation from you guys and don't come up with this thing कि you know just saying कि you know Bohr's ने you know ये decide करा कि you know stationary orbit है और energy lose करेगा ही नहीं. वो उसमें stationary orbit में as long as revolve करता रहेगा energy lose नहीं करेगा. अरे उसके लिए क्या evidence मिला, how did he conclude that, was there something that was you know that held him. ठीक है, and नहीं हर्षित, बोर ने भी स्टार्टिंग में सर्कुलर ऑर्बिट्स ही लिए थे. ठीक है, बोर ने सर्कुलर ऑर्बिट्स ही बताए थे. एंड गिव मी द रीजन, ठीक है, डोंट गिव मी द स्टेटमेंट कि यू नो कि बोर ने तो बोल दिया, बोर ने बोल दिया कि यू नो इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल कर रहा होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा. अरे तो रदरफोर्ड ने भी बोल दिया ना कि ऑर्बिटल ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, इसे उसकी एंगुलर स्पीड होगी, एंगुलर मोमेंटम होगा. तो इसमें रदरफोर्ड और बोर मॉडल में अंतर कहां से आ गया? हाउ इज इट आई रियली वांटेड टू थिंक थ्रू एंड क्वेश्चन दिस दैट हाउ इज इट दैट बोर्स मॉडल वाज एबल टू ओवरकम रदरफोर्ड्स मॉडल का ड्रॉबैक. ठीक है, एंड
this is something which would require you to do some independent research and work. So aap ye log try karo, and you know, we will start our discussion from here only in the next class. ठीक है, ऑल राइट, चलो आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, एंड यू कीप ऑन वर्किंग ऑन योर मूल कंसेप्ट का होमवर्क, ट्राई टू कंप्लीट दैट, एंड वी विल देन रिज्यूम एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कशन यहीं से इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू गाइस.